प्रदेश के आपदा प्रभावित गांव के पुनर्वास को लेकर आपदा प्रबंधन राज्य मंत्री धन सिंह रावत की अध्यक्षता में विधानसभा स्थित कार्यालय कक्ष में समीक्षा बैठक की गई, जिसमें आपदा की दृष्टि से अति संवेदनशील क्षेत्रों के विधायक भी मौजूद रहे। बैठक की खास बात ये रही कि इसमें विपक्ष के विधायकों ने भी शिरकत कर अपने क्षेत्रों के आपदा प्रभावितों के पुनर्वास को लेकर सुझाव रखे। वहीं मंत्री धन सिंह रावत ने बैठक में विधायकों द्वारा दिए गए जनहित के सुझावों को शामिल कर प्राकृतिक आपदा संबंधी वर्ष 2011 की विस्थापन पुनर्वास नीति का संशोधन प्रस्ताव शीघ्र कैबिनेट में लाने के निर्देश अधिकारियों को दिए। साथ ही मंत्री धन सिंह रावत ने अधिकारियों द्वारा बैठक में पुराने एवं आधे अधूरे आंकड़े प्रस्तुत करने पर फटकार लगाते हुए भविष्य में पूरी जानकारी के साथ बैठक में आने की नसीहत दी। 2012-13 में 2015 में एक सर्वे किया गया था, जिसमें कि 225 गांवों को विस्थापन के लिए एक लिस्ट बनाई गई थी 2015 में, और जिसमें सर्वाधिक जो है विस्थापन के लिए 73 गांवों को जो है प्रस्ताव दिया गया था जिलाधिकारियों के द्वारा कि 73 गांवों का विस्थापन किया जाए। वहीं विपक्षी विधायकों ने विभागीय मंत्री डॉक्टर रावत का आभार जताते हुए कहा कि ये पहला मौका है जब किसी संवेदनशील मुद्दे पर प्रतिपक्ष के विधायकों को भी बैठक में आमंत्रित किया गया। देखिए, मैं आपदा प्रबंधन मंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने एक पहल करी कि विपक्ष के विधायकों को बुलाकर उनके क्षेत्र की समस्या जानने की। लेकिन मेरा सीधे सीधे ये भी कहना है, जो इससे पहले आपदा प्रबंधन जिसके पास भी रहा, उनके द्वारा पूरे प्रदेश की जनता को गुमराह किया गया। आज भी मैं देख रहा हूँ 2017 के आपदा प्रभावित गांव का लिस्ट आपदा प्रबंधन के पास नहीं पहुंचा है। मंत्री जी के द्वारा जिलाधिकारी से वार्ता की गई तो उन्होंने बताया कि 22 गांव का लिस्ट भेज दिया गया, 8 गांव की लिस्ट अभी भी बची है। तो आप लोग लगा सकते हैं कि 2017 की आपदा और 2020 तक की आपदा, ये जो 4 साल पीछे की, अभी तक शासन पर उसके जो है फाइल नहीं पहुँचना कितनी बड़ी गंभीरता है। गौरतलब है कि उत्तराखंड आपदा की दृष्टि से बेहद संवेदनशील है। यहाँ तकरीबन 400 से अधिक गांव आपदा की जद में है। बरसात के दौरान यहाँ भूस्खलन आदि का खतरा बना रहता है। मानसून सीजन को देखते हुए विभाग अभी से इन गांवों के पुनर्निवास की तैयारी में जुट गया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए देहरादून से कुलदीप रावत की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।